नेक्स्ट हमें पढ़ना है रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा एक्स कंपोनेंट में और वाई कंपोनेंट में। तो देखिए इसका यूज मैथ्स के अंदर भी होता है और इसका मोस्ट जो ज़्यादा यूज होता है वो फिजिक्स के डेरिवेशंस को प्रूव करने में होता है। तो वहाँ पर हम कई बार जैसे वेलोसिटी को पढ़ रहे होते हैं तो वेलोसिटी को वी कॉस थीटा वी साइन थीटा एक्स कॉस थीटा एक्स साइन थीटा लिख लेते हैं। वो हम कैसे लिखते हैं कैसे उसके कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं उसको समझते हैं। भाई मान लीजिए ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस और यहाँ पर हमारा कोई वेक्टर है। जैसे सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं आपका ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ले लिया। अब जो वेलोसिटी है वो एक्स की डायरेक्शन में भी बढ़ रही है और वाई की डायरेक्शन में भी बढ़ रही है। दोनों डायरेक्शंस में वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। और वेलोसिटी जो है वो मान लिया एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। अब इस वेलोसिटी कंपोनेंट को हमें क्या करना है दोनों वेक्टर्स की फॉर्म दोनों एक्सिस की फॉर्म में रिजॉल्व करना है। तो यहां वेलोसिटी से मैं क्या डालता हूं एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर और एक डालेंगे वाई एक्सिस पर। इसको मानते हैं ओ ओरिजिन है ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी ए इन ट्रायंगल ओ बी ए ओ बी ए ट्रायंगल के अंदर हम ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये है हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट वी है हमारा कंपोनेंट यहां पर ये। तो यहां पर ओ ए ये वाली जो साइड है वो बेस हो जाएगी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो यहां पर ओ ए अपॉन ओ बी किसके बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के बिकॉज वी नो दैट पी बी पी ओवर एच एच बी बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस जो है वो हमारा v है v वेलोसिटी है हमारी यहां से यहां तक। तो यहां पर इसको v रखेंगे और ओ ए बाई वी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से ओ ए किसके बराबर आ गया हमारा v कॉस थीटा के। तो ये जो x कंपोनेंट है इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास वो आ रही है v कॉस थीटा। अब ध्यान से देखें ये OC जो है वो इस ओ ए बी के बराबर होगा इस ए बी के बराबर होगा ना। तो हम यहां पर यदि लेते हैं आपका ए बी अपॉन ओ बी यानी कि ए बी क्या है परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है हमारा साइन के बराबर होता है एंगल बन रहा है थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा। ओ बी है हमारा वी ए बी बाई वी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से ए बी क्या आ रहा है हमारा वी साइन थीटा आ रहा है। तो यहां से ये वाली जो टर्म है ए बी यानी ओ सी के बराबर है तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा वी साइन थीटा। तो आपने देखा एक्स कंपोनेंट क्या आ रहा है v cos थीटा वाई कॉम्पोनेंट v sin थीटा। अब यहां v की जगह जैसे एक्सेलरेशन होता a तो यहां पर जो ओ ए है वो क्या हो जाता a cos थीटा एंड ओ सी क्या हो जाता हमारे पास a sin थीटा। क्वाइट सिंपल। अब यदि ये एंगल की पोजीशन चेंज हो जाए यहां पर ये भी हो सकता है जैसे यहां पर एक वेक्टर बन रहा है a और वो वाई एक्सिस के साथ अब वो जो एंगल वो बना रहा है वो किसके साथ बना रहा है वाई एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। तो जब आप इसे रिजॉल्व कर लेंगे परपेंडिकुलर डाल के तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या आएगा हमारा ए कॉस थीटा आएगा। क्या आएगा ए कॉस थीटा और ये कंपोनेंट क्या आएगा ए साइन थीटा। अब ऐसा नहीं है कि एक्स के साथ ही हमेशा कॉस थीटा आएगा। थीटा वहां पर आता है जहां से एंगल को मेजर किया जाता है
वाई एक्सिस के साथ थीटा दे रखा है तो ए कॉस थीटा, और एक्स के साथ आ जाएगा ए साइन थीटा। यहां पर एक्स के साथ एंगल दे रखा था तो उसको वी कॉस थीटा लिया है। जनरली जो हम एंगल लेते हैं वो एक्स के साथ लेते हैं, इसीलिए यहां पर हमेशा एक्स के साथ कॉस थीटा और वाई के साथ साइन थीटा। बट यदि एंगल बदलेगा तो कंपोनेंट्स भी बदल जाएंगे, कॉस थीटा उसके साथ जिस एक्सिस के साथ एंगल हमारा बन रहा है।